गुड आफ्टरनून बेटा। इसके पहले हमने आपको जेनेटिक्स के दो चैप्टर्स आपको मैंने पढ़ाए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद एक चैप्टर उसमें है इवोल्यूशन। हमने आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के भी वीडियो आपको मैंने पढ़ाया। इसके बाद हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दो दो चैप्टर्स हैं जिसको मैंने आपको नोट्स दिए थे, इसका मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें ये हैं कि जैसे आप इस वायरस के COVID-19 के लॉकडाउन में आप देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि नहीं क्लासेस चल पाएंगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल। मान चले कि जुलाई या अगस्त तक ऐसा कोई शेड्यूल नहीं बनता है, अगर कोई शेड्यूल आता भी है तो क्लासेस 50% अटेंडेंट के साथ चलेगी, मैंने वीक में एक रोल नंबर 3 दिन आएगा, मैंने मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये रोल नंबर एक दिन आएंगे, फिर 2, 4, 6, 8, 10 वाले एक दिन आएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 40 लोग हैं तो 20 लोग मंडे को आएंगे, 20 लोग ट्यूजडे आए। इस तरह से CBSE हो सकता है कि सेलेबस आपका मिनिमाइज कर सकती है, लेकिन जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्योंकि अप्रैल में आपका जो 1 मंथ या 1 मंथ 20 डेज जो भी आपको मिलता है स्कूल कॉलेज स्टडी या स्कूल स्टडी, वो आपको बर्बाद हो चुका है। क्योंकि आप अगर अगर केयरलेस हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने को स्कूल खुलेगा जुलाई में रिकवर करेंगे, तो इट इज़ द इम्पॉसिबल। अगर जो CBSE अपने सेलेबस को रिवाइज नहीं करती, कम नहीं करती, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा 2021 में। और ये जो COVID-19 वायरस है, ये आपको पूरे ईयर या ये लाइफ स्टाइल में आपके साथ रहेगा। जैसे आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा कि कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, ये हमारे जीवन की एक पार्ट है। बस केवल ये कि हम आप कैसे बचें, एक तरह से हमें एडाप्टेशन एंड इम्यूनिटी पावर डेवलप करनी होगी। तो इसलिए जो भी हिंदी के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के जो भी वीडियो लेक्चर, जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं आती है, तो आप लाइव पूछ सकते हैं, स्काइप पे पूछ सकते हैं, लेकिन आप उनको नोटिफिकेशन दे दें कि हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, हम आपको टाइम बता देंगे, उस टाइम पर एक दो लोग आकर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। तो इसलिए जो है आपको जो भी चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, उसको आप पढ़ेंगे। हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी चीज़ें, क्योंकि हमने आपको MCQ दिए, हर चीज़ें हम आपको प्रोवाइड्स कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपको फेस टू फेस हमारी आपकी जो है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन ये है कि इस दौरान जो भी चीज़ें हो रही हैं, जून का महीना पूरा चला जाएगा या जुलाई में भी देखिए क्लास चलेंगे, तो वो चीज़ें आप अपने से पढ़ें, न आए समय का यूटिलाइजेशन करें। केयरलेस अगर हो जाएंगे तो फिर आपके मार्क्स, आपकी जो आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में, वो गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए बेटा, तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं, दुकानें खुली हैं, आप जो स्टडी मटेरियल्स आप ले लें, मैंने NCERT की बुक्स हैं, साइट बुक्स हैं, जो भी चीज़ें आप लेना चाहें आप लेकर घर पे पढ़िए और अपने करियर को शुरू करिए। तो हम आपको शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद चैप्टर आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आता है कि व्हाई इन केस ऑफ एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बेनिफिशियल। तो उसमें होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बेनिफिशियल फॉर एनिमल सोसाइटी बिकॉज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल एनिमल अंडर को क्रॉस ओवर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर DNA आर कापी आउट
एंड दे टेक द कॉम्पिटेंट एंड नेचुरल सेलेक्टेड स्पीसीज। इस द्वारा जो चीज़ें प्रोजनी बनती हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉम्पिटेंट होती है, मीन्स नेचुरल सेलेक्शन में अडाप्ट होती है और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एनिमल रिप्रोडक्शन में जनरली लोअर का कुछ एनिमल्स को देख लिया जाए जहाँ पे सेक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं हर्माफ्रोडाइट्स हैं जहाँ पे मेल और फीमेल कई सेक्स कई पार्टी में होते हैं। कुछ हायर कैटेगरी में हम जाएंगे तो वहाँ पे एनिमल में एक तरह से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन या मैमल्स में आते हैं तो मैमेलिया को क्लासिफाई करते हैं थ्री कैटेगरी में, एक प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया आपने पढ़ा होगा। प्रोटोथीरिया इज ए काइंड ऑफ प्रिमेटिव मैमल और प्राइमरी मैमल, मेटाथीरिया इज ए काइंड ऑफ मार्सुपियल्स एंड यूथीरियन इज ए काइंड ऑफ वीवी पैरस एनिमल जस्ट लाइक द ह्यूमन। तो ओवी पैरस, वीवी पैरस एंड ओवो वीवी पैरस, द प्रोटोथीरियन इज ए काइंड ऑफ ओवो वीवी पैरस एंड अनदर एनिमल्स आर द नॉन ओवो वीवी पैरस, नॉन वीवी पैरस। तो इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वी स्टार्ट नाउ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट है टेस्टिस, एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पॉपुलेटरी ग्लैंड्स एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स जस्ट लाइक द काउपर एंड बर्थोलियन ग्लैंड्स आर फाउंड इन केस ऑफ द ह्यूमन। वी स्टार्ट इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस आर प्रेजेंट, वन पेयर टेस्टिस आर फाउंड इन साइड सैक्रोटल सैक। सैक्रोटल सैक द स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड नियर द बिलो पोर्शन ऑफ द एबडोमिनल पार्ट। यानी कि सब मैमल इन केस ऑफ मेल हियर द वन इज द सेक्रोटल सैक आर फाउंड इन दिस सेक्रोटल सैक, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन साइड द टेस्टिस सैक। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर बाकी जो टेस्टिस होता है वह एक सेक्रोटल सैक में क्यों पाया जाता है, वाई दे आर फाउंड इन द सेक्रोटल सैक। तो उसका रीजन ये होता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर आर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अप्रॉक्सीमेट जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से अप्रॉक्सीमेट 2 or 3 डिग्री अगर ये डिफर होता है तो टेस्टिस में क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ईजली रिलीज होगा और वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सम टाइम दोज टाइप ऑफ मेल इन विच द टेम्परेचर आर हाई ऑफ द टेस्टिस सैक और सेक्रोटल सैक, तो लो स्पर्म काउंट्स आर फाउंड इनसाइड द मेल। तो इसलिए मैमेल क्लास मैमेलिया में आप आएंगे तो ह्यूमन में टेस्टिस आर फाउंड इनसाइड द सेक्रोटल सैक। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेल में ये जो टेस्टिस है दे आर नॉट फाउंड इन टू द सेक्रोटल सैक, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। उस डिजीज का नाम है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म इज ए काइंड ऑफ डिजीज विच आर फाउंड इन मेल बिकॉज इन लिगुअल कैनाल डज नॉट हैंग द टेस्टिस इनसाइड द सेक्रोटल साइट। पूरी मैमलिया क्लास में जनरली ऑल मेल कंटेन टेस्टिस इनसाइड द सेक्रोटल साइट, बट इन केस ऑफ द एलिफेंट ए कॉमन मैमल वेयर टेस्टिस आर फाउंड इन साइड द बॉडी वेयर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी सेक्रोटल सैक या सेक्रोटल पाउच विच हैंग ओवर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो जनरली क्या होता है कि ये 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए सेक्रोटल सैक बॉडी से बाहर आता है जिसके कारण आसानी से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो पाती है। तो क्रिप्टो आर्किडिज्म इज ए काइंड ऑफ डिसऑर्डर विच आर फाउंड इन केस ऑफ द मेल वेयर नो टेस्टिस आर डेवलप इन साइड सेक्रोटल सैक। तो कंडीशन वहाँ पे हो सकती है दो डिजीज,
एक हो जाती है ए जो स्पर्मिया, और एक हो जाती है ओलिगो स्पर्मिया। तो दोस टाइप ऑफ मेल इन विद द सेक्रल साइट आर नॉट फाउंड टू द टेस्टिस आर नॉट फाउंड द सेक्रल साइट, दैट मेल स्पर्म आर नॉट फाउंड, नील नंबर ऑफ स्पर्म, इट इज ए काइंड ऑफ ए जो स्पर्मिया, और ओलिगो स्पर्मिया मीन्स लो काउंट ऑफ स्पर्म। तो दिस टाइप ऑफ मेल कंडीड लो काउंट ऑफ स्पर्म, दे आर एडवाइज टू द मेक ए फादर बाई द IVF टेक्निक वी आर स्टडीइंग द नेक्स्ट चैप्टर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस कारण यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इसी टेस्टिस का हमें ट्रांसवर सेक्शन काटते हैं, तो टेस्टिस में ट्रांसवर सेक्शन काटेंगे तो यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन दिस आउटर मेम्ब्रेन इज नोन ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, तो ट्यूनिका वेजाइनलिस इन केस ऑफ मेल आउटर मेम्ब्रेन एंड मिडिल लेयर इज द ट्यूनिका एल्बोजिनिया विच ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स लेयर आर फाउंड इज दिस लेयर। तो आउटर इज द ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल इज द ट्यूनिका एल्बोजिनिया और इनर इज द ट्यूनिका वेसिकुलरिस। ओके, इन ट्यूनिका वेसिकुलरिस द टेस्टिस आर डिवाइड इंटू द सेमिनिफेरस ट्यूलोब और सेमिनिफेरस सेप्टा। इस सेमिनिफेरस सेप्टा में क्या होता है बेटा कि ए नेटवर्क ऑफ, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ए नेटवर्क ऑफ ब्लड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज आर फाउंड दैट सिस्टम विच आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द सेमिनिफेरस लोब्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्स इज नोन रेटेड टेस्टिस। तो जो ये नेटवर्क है इस मेन ट्यूब से निकल के जो ये पूरे लोब में स्कैटर्ड होंगे दैट इज कॉल्ड रेटेड टेस्टिस। और ये जो रेटेड टेस्टिस है ये ओपन होते हैं एक कॉमन ट्यूब में दैट इज कॉल्ड वॉश एफेरेंसिया। तो रेटेड टेस्टिस आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द सेमिनिफेरस लोब एंड दे ओपन इन टू वॉश एफेरेंसिया। तो वॉश एफेरेंसिया कलेक्ट द अनमैच्योर इस पर मैटर्स होगा। अब इस वास एफरेंसिया इसको लेके चली जाती है एपिडाइडमस में। तो एपिडाइडमस में तीन रीजन होता है, एक होता कापोट एपिडाइडमस, एक होता कार्पस एपिडाइडमस और एक होता कॉडा एपिडाइडमस। तो एपिडाइडमस आर डिवाइड इनटू द थ्री पार्ट कापोट कार्पस एंड कॉडा। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ एपिडाइडमस आर कंपोज ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बाई विच मैच्योर स्पर्म मेटाजोवा आर ट्रांसफर टू द वास एफरेंसिया। द प्रोसेस बाई विच अनमैच्योर स्पर्मेटोजोवा कन्वर्ट इंटू द मैच्योर स्पर्मेटोजोवा प्रोसेस इज नोन स्पर्मिएशन। ओके, तो जनरली कुछ किताबों में आप देखेंगे कि स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस इन विच द मैच अनमैच्योर स्पर्म कन्वर्ट द मैच्योर स्पर्म, ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटो एपिडाइडमस में और दिस प्रोसेस गवर्न इनटू द सर्टोली सेल्स। तो टीएस ऑफ टेस्टिस में कुछ सेल्स आपको मिलेंगे लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल्स। लीडिंग सेल रिलीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स विच कॉज द प्यूबर्टी इन मेल एंड एंटी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। दे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कॉज द प्यूबर्टी एंड रिलीज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन विच स्टमुलेट द टेस्टिकुलर फॉलिकल सेल। तो जो प्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं LH एंड FSH लुटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करती है, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है टेस्टिस में उनको मैच्योर करती हैं, इसलिए 0 to 9 years इन केस ऑफ मेल नो स्पर्मेटोजेनेसिस आकर बट ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ LH एंड FSH मैचुरेशन ऑफ द सेल LH इंड्यूस द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन विच कैरी द प्यूबर्टी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ द मेल। तो ये एपिडाइडमस को एपिडाइडमस से ये ट्रांसफर होकर जाएगा वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रिसीव द मैच्योर स्पर्म
फ्रॉम द एपिडाइटमस एंड ट्रांसफर इनटू द सेमिनल वेसिकल। ओके, तो वहाँ से डिफरेंशिया में जब कभी परमानेंट कंट्रोल आप हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, तो इसको क्या करते हैं सर्जरी में कट कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है वायसेक्टॉमी। तो वायसेक्टॉमी इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस इन विद द रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस इन केस ऑफ मेल। तो जो ये वास डिफरेंस है दे आर ओपन इन टू ए वैसिकल लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन सेमिनल वैसिकल, और ये जो सेमिनल वैसिकल है इस सेमिनल वैसिकल में पाई जाती है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेमिनल वैसिकल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द मैचोरस पर एंड इन सेमिनल वैसिकल सेमिनल फ्लूइड आर फाउंड, देयर केमिकल कंपोजिशन आर फ्रक्टोज सोडियम साइट्रेट ऑर्गेनिक आयन एंड अदर इनऑर्गेनिक आयन। तो जो सेमाइनल फ्लूइड है दे प्रोवाइड टू द न्यूट्रिशन एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म इनसाइड द सेमिनल वेसिकल। तो जो ये सेमिनल वेसिकल होती है इसमें सेमिनल फ्लूइड्स पाई जाती है, और इसी को आपने पढ़ा होगा कहा जाता है इट इज ए काइंड ऑफ सेमेन। तो जो ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, तो ये जो इसी को लिक्विड कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड्स इज ए काइंड ऑफ सेमेन प्लाज्मा इट इज ए काइंड ऑफ सेमेन। अब इसी के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है कि इन केस ऑफ द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प इन टू द मेक यूरिनेशन एंड एजाकुलेशन ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है यार एलमोंड शेप स्ट्रक्चर, इसका काम ये होता है कि मेक यूरिनेशन को इंड्यूस करती है और ये स्पर्म को एजाकुलेट करने का काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो अब क्या होता है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड सेमिनल वेसिकल्स दे कनेक्ट टू ए कॉमन ओपनिंग नोन एज द यूरेथ्रा व्हिच डायरेक्टली लीड द स्पर्म टू आउटसाइड ऑफ दिस ग्लैंड बाय द हेल्प ऑफ द पेनिस और पेनिस साइड। इट इज ए काइंड ऑफ पॉपुलेटरी ऑर्गन्स कंपोज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड कैपिलरीज एंड डिवाइड इनटू द ग्लांस पेनिस व्हिच रिसीव द परफ्यूज ड्यूरिंग द ऑर्गेज्म। तो ये जो पेनिस है दे कंटेन द कॉमन यूरेथ्रल ट्यूब्स बाय व्हिच द यूरिन आर हैच एंड ड्यूरिंग द कॉपुलेशन स्पर्म आल्सो ट्रेवल बाय दिस रूट एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। तो होता यह है कि पेनिस साइड कंटेन द स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स काउपर एंड बर्थोलियन ग्लैंड्स। बर्थोलियन ग्लैंड्स आर इनएक्टिव इन केस ऑफ द मेल बट काउपर ग्लैंड्स आर एक्टिव, बट इन केस ऑफ रैबिट काउपर एंड बर्थोलियन ग्लैंड बोथ आर एक्टिव। तो इन केस ऑफ द मेल काउपर ग्लैंड रिलीज ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इन साइड द इनसाइड द यूरेथ्रल ट्यूब व्हिच न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रल ट्यूब एंड कॉज द लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रल ट्यूब बाय व्हिच स्पर्म आर इजिली ट्रेवल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओके, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये पार्ट है। अब बात आती है कि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल ये क्वेश्चन आपको पूछे नहीं गए हैं यहाँ पर, लेकिन उस सेट में ये क्वेश्चन आए गए थे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसके दो डायग्राम बनते हैं, चाहिए आप इसको एज ए डायग्रामेटिक
आप इसको दिखा लें, या चाहे आप सीधे सीधे इसको आप इसके से दिखा लें, या जो हमने लिखा कि इस पर माइटोगोनिया और ये प्यूबर्टी में होता है, ये कम माइटोसिस। जो प्यूबर्टी में यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय माइटोसिस डिफरेंशिएशन। ओके, आप ये, और यहाँ पे जो ये प्रोसेस हो रहा है, इस इज अ काइंड ऑफ मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दो बार होगी, या इसी को कुछ किताबों में आप पढ़ेंगे फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। और फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद एक स्टेज आती है जहाँ पे मैच्योरिटी आती है, तो इसको कहा जाता है फेज ऑफ मैच्योरेशन। ओके, और इसके बाद इस फेज को कहा जाता है फेज ऑफ, जहाँ पे मियोसिस हो रही है, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन साइड द मेल टेस्टिस नॉन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये मैंने कहा कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगी, ये पर्टिकुलर कुछ हार्मोन्स होते हैं, इस हार्मोन्स के द्वारा उसका इंडक्शन होता है, और उस हार्मोन्स के इंडक्शन से फॉर्मेशन होता है और एक्टिवेशन होता है इनका। तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, तो मेल जाहिर हुआ इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आप ज़रा देखेंगे। आई स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। जैसे तीन क्वेश्चंस हैं इस साल जो पूछे गए हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, इस चैप्टर से फीमेल रिप्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू प्रिपेयर सेल्फ, अपने को तैयार रखिए। हाँ, ये क्वेश्चंस पांच नंबर में आया है दूसरे सेट में, ये देखिए सेट नंबर है थ्री। ये सेट नंबर थ्री में क्वेश्चंस आप देखें, सेक्शन ई, यहाँ क्वेश्चन आया व्हेन डज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिन इन ह्यूमन मेल्स, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन आप देख लीजिए 25 AB, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नॉन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये डायग्राम आपको देना, अब पूछा इसमें कि क्या रोल है, तो देखिएगा हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन्स, और ये डेवलप करता है ह्यूमन में मास्टर ग्लैंड नोन एज प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है, यह LH और यह PSH रिलीज करता है। LH क्या करता है कि ये लीडिंग सेल की मैच्योरिटी कंट्रोल करता है, और ये का काम यह होता है कि यह स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल सेल ऑफ टेस्टिस। ओके, और लीडिंग सेल्स क्या करते हैं कि दे रिलीज द स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन्स आर नॉन टेस्टोस्टेरोन। और जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल में आती है वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके बेटा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या हार्मोनल कंट्रोल है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो LH और FSH हैं, दे डायरेक्टली कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो ये LH है, यह लीडिंग सेल्स को जनरेट करता है, और
यहाँ पे आपने देखा कि यह स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स ऑफ टेस्टिस, अब यह स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल सेल्स होती कहाँ पे हैं, तो दो सेल्स हमने बताया था कि एक लीडिंग सेल होती है टेस्टिस में, एक सर्टोली सेल्स होती हैं। तो लीडिंग सेल प्रोवाइड द टेस्टोस्टेरोन एंड सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म इनसाइड द टेस्टिस। अब वो वहाँ से निकल कर आती हैं डेटेड टेस्टिस के द्वारा वास एपरेंसिया में, वास एपरेंसिया से ये निकल कर आते हैं एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस में स्पर्मिएशन होता है, स्पर्मिएशन के बाद फिर ये चले जाते हैं वास डिफरेंस के द्वारा सेमिनल वेसिकल में, और सेमिनल वेसिकल्स के में स्टोर रहते हैं एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, दे इजेक्ट बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड रिलीज इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द ओवुलेशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में ये जो हो रही है, ये प्यूबर्टी, मेल में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस समय माइटोसिस वहाँ पे डिफरेंशिएट करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया पहले बन जाती है जब चाइल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन बहुत पहले हो जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी में क्या होता है, माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे बनती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाती है फेजा रिडक्शन देखिए, तो फेजा रिडक्शन में क्या मियासिस वन मियासिस टू, तो मियासिस फर्स्ट के द्वारा बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियासिस सेकेंड हो जाती है। तो अब ये जब मियासिस सेकेंड होती है तो यहाँ पे बनता है बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं स्पर्मेटिक का। अब ये स्पर्मेटिक इज ए काइंड ऑफ ओवल आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच आर नॉट ट्रेवल इन साइड द वेजाइनल ट्यूब एंड रीच टूवर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो होता क्या है कि इसमें हो जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिक। तो ये प्रोसेस आप देख लीजिए, स्पर्मियोजेनेसिस होती कैसे है, इसमें देखेंगे इस पर जेनेसिस। इसमें आप देखें ये सेल है और इसके ऊपर होती है गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ये स्पर्मेटिड है बेटा, ये जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस गॉल्गी कॉम्प्लेक्स अंडरगो सेल सेक्रेशन। ये क्या होता है कि सेल सेक्रेशन यहाँ पे है, उसको कहा जाता है ऑटोसोमल एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। ओके, अब यह एक्रोसोमल ग्रैन्यूल क्या करता है कि इसको मॉडिफाई करता है इस स्ट्रक्चर में। ये मैच्योर स्पर्म है, इसका टेम्परेचर है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं, या इसी को कहा जाता प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे है एक्रोसोम। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्रोसोम, इट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होगा। तो ये पोर्शन नेक रीजन है और ये है मिडिल फेज PICAC। मिडिल फेज है, मिडिल फेज में क्या होता है कि माइटोकांड्रिया होते हैं, वो
व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एटीपी फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन इनसाइड द वजाइनल ट्यूब। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये टेल, ठीक है, और यहाँ पे होता है प्रॉक्सिमल फिलामेंट। और यहीं पे आपको नजर आएगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में जानने होंगे, सेंट्रियोल इज ए काइंड ऑफ सेल्स विच हेल्प इन द स्पेंडल फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस इन एनाफेज एंड टेलोफेज। तो वहाँ पे मेटाफेज और एनाफेज में क्या करते हैं कि स्पेंडल फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया इस पर मियोजेनेसिस, वेयर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिक। ये प्रोसेस होगा स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है उसके ऊपर एक नेकबेन मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, इस पोर्शन को हेड जोन कहा जाता है, एक्रोसोम। और जो ये एक्रोसोम है ये एक्रोसोम रिलीज हाइलो यूरी डीनेज एंजाइम। ये एक्रोसोम क्या करता है कि एंजाइम रिलीज करता है हाइलो यूरी डीनेज एट द टाइम ऑफ पेंट्रेशन ऑफ ओवम। तो जब ये एक मेम्ब्रेन में, तीन मेम्ब्रेन होती हैं, तो जब ये कांटेक्ट करता है किसी एग को या ओवम को, तो ये रिलीज करता है हाइलो यूरिडेनेज और ये एक मेम्ब्रेन को पेंट्रेट करने का काम करती है। तो ये पेंट्रेशन में हेल्प करती है, इसके कारण ये एंटर करके तब इसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। तो ये पार्ट जो है ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, पार्चुएशन, लैक्टेशन एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखते रहें, पढ़ें और नोट्स बनाएं। कहीं भी प्रॉब्लम है यू कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू।